आने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, रोड्स बड़े ख़राब हैं, थोड़ा रोड्स की तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, और क्या कहते हैं यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, कूड़ेदान वगैरह रखने चाहिए, और स्ट्रीट लाइट जो लाइट भी है उसकी व्यवस्था भी नहीं है, उसका भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छा पिकनिक स्टॉप है, इसमें क्या कहते हैं गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। तो खाली नाम के बैनर लगे हुए हैं, मैं तो यही अपील करूंगा कि लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे डस्टबिन होना चाहिए। पहली बात डस्टबिन कोई नहीं है, ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे लोग कचरा ओपन ग्राउंड में ही फेंक रहे हैं, इस तरह कोई भी है। कोई भी गाड़ी अंदर आती है तो उससे जे मतलब 50 या 100 रुपया ये पर्ची लेते हैं। तो सर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो इतना पैसा आ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? तो कम से कम इनको पत्नीटॉप जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिनको इनको जो सफाई वगैरह इन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। तो सर जो टूरिस्ट बेचारे आते हैं, जहाँ के कोई बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, तो टूरिस्ट बेचारा आता है वो भी परेशान है यहाँ पे। सरकार तो सर पिछले 20 सालों से ही आप देखिए यहाँ पे तो बुरी हालत है सर। क्या सड़कों की हालत देखिए आप, सड़कों की इतनी बुरी हालत है सर कि गाड़ियाँ आती हैं, ये भी हमारा बहुत नुकसान होता है यहाँ पे। ये मंत्री लोग जो जितने भी हमने देखे हैं, जब कुर्सी पे बैठ जाते हैं उसके बाद तो सर काम तो कोई होता हुआ हमने देखा नहीं है अभी तक। तो अब देखते हैं कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। तो हम उनसे यही अपील करते हैं कि जो हमारा पत्नीटॉप का एरिया है खास करके, इस पर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, ताकि बाहर से दूर दूर से सर जो पर्यटक यहाँ पे आते हैं तो उनको कम से कम थोड़ी यहाँ पे सुविधा मिले, जैसे वाशरूम वगैरह भी जहाँ पे नहीं है सर, और गंदगी इतनी फैल चुकी है यहाँ पे पत्नीटॉप में, कोई सर कोई भी काम हुआ ही नहीं है यहाँ।